हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल मखनी की रेसिपी सो so, दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले आप ये दाल ले लीजिए और इनको अच्छे तरीके से धो लीजिए आपको इसमें थोड़ा सा राजमा भी लेना पड़ेगा जिसको आप तीन चार आर के लिए कम से कम भिंगा के रख दीजिए और ये है हमारे राजमा और डिफरेंट काइंड ऑफ दाल सो सबसे पहले हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे सारे अपने दाल और राजमा को मिक्स करके और कुकर में डाल देंगे हमें ये हाई फ्लेम पे सारा प्रोसेस अपना करेंगे फर्स्ट हाफ इसे हाई फ्लेम पे रखिए और जब हमारा एक सीटी आ जाए उसके बाद हम उसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए आ, बॉयल होने देंगे जब हम दाल बॉईल कर रहे होंगे तभी हम उसमें नमक और कोई भी खड़े मसाले अगर आपको देने हैं तो आप एक दो ऐड कर दीजिए जिससे वो फ्लेवर आपका दाल में बॉईल होते टाइम भी अच्छे से हो जाए देन हम इसको जब तक बॉईल करने के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ते हैं उस तब तक हम अपना मसाला प्रिपेयर करते हैं मीन हम अपना मसाला प्रिपेयर करते हैं सो मसाला प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक कली लहसुन का देंगे चार पाँच मिर्च एज पर योर टेस्ट एंड अदरक थोड़ा सा देन हम उसमें ऐड करेंगे तीन चार कटी हुई आ, प्याज इसमें आप देख लीजिए कैसा आपको शेप चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू ग्राइंड इट देन हम उसमें दो टमाटर ऐड करेंगे और हम इसका पूरा मिक्सचर बना लेंगे तो ये हमारा हो चुका है दाल मखनी का पूरा मिक्सचर तैयार मसाले का मिक्सचर तैयार और अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे मीनवाइल जो हमने दाल बॉईल होने के लिए दिया था वो भी अच्छे से उबल चुका है और ये है उसकी कंसिस्टेंसी इसमें हमने इतना ही पानी डाला था कि वो हम दाल मखनी में यूज़ कर सकें तो ये हमने सबसे पहले लिया तीन चार चम्मच तेल देन उसमें थोड़ा सा हमने बटर भी डाल दिया है ये लिया हमने जीरा हींग आ, और उसके जब तक ये बॉईल थोड़ा सा ठीक हुआ उसके बाद हमने इसमें पूरा अपना मिक्सचर डाल दीजिए तो आ, और मीनवाइल जब हमने इसमें जैसे ही ये थोड़ा सा पकना स्टार्ट होगा उसके बाद हम इसमें अपने सारे मसाले भी डाल देंगे आपको इसमें बहुत स्टोव फ्राइज़ को करते रहना है तो ये हमने अपना सारा मसाला डालना स्टार्ट किया जब हमने देखा कि वो थोड़ा थोड़ा बॉईल होने लग गया हल्दी धनिया मिर्च एंड गरम मसाला जो भी आपको आ, इसमें मसाले डालने हैं एज पर योर टेस्ट ऑल्सो आप इसमें डाल सकते हैं और इसको अच्छे से जो है हमें स्टर फ्राई इसको करते रहना पड़ेगा मीडियम फ्लेम पे हम इसको स्टर फ्राई करते रहेंगे ध्यान रखना होगा कि मसाला तब भी प्रिपेयर होता है जब उसका तेल छोड़ने लगता है सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट जैसे ही उसमें कच्चापन और ख़त्म हो जाता है और लगता है मसाला प्रिपेयर हो गया तब हम उसमें अपना पूरा मिक्सचर जो दाल का है उसको अच्छे से डाल देंगे और थोड़ी देर स्टर फ्राई करेंगे इसमें आप कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप वाटर ऐड कर दीजिए और ये ध्यान रखते हुए कि आपने बॉईल होते टाइम भी नमक डाला था तो उस अकॉर्डिंग जितना आपको लगता है उतना नमक डाल दीजिए जिससे वो ज़्यादा भी ना हो देन हम इसको थोड़ी देर जब स्टर फ्राई करेंगे उसके बाद जब ये वेल well कुकड हो जाएगा आफ्टर टेन मिनट्स तो हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और उसको अच्छे से स्टर फ्राई कर देंगे और इसी के साथ हमारा दाल मखनी हो चुका है प्रिपेयर एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू ट्राई दिस दाल मखनी एट योर होम और आप इसे अच्छे से अपने डिनर और लंच में सर्व कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो